मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड पर देखेंगे कि ये नाले के काम को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरफ शानू पठान के लोग यहाँ है और दूसरी तरफ देखेंगे नजीमुल्ला के समर्थक पहुँचे हुए हैं। जाने दो जाने दो, जाएगी जाएगी, जाने दो जाने दो, पास हो जाएगा। निकलो भाई। पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा है यहाँ पर, देखेंगे आप। पुलिस जो है ACP भी पहुँचे हैं, उत्तम कुलकर साहब यहाँ पर हैं और इसके अलावा मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI हैं अनिल शिंदे साहब। यहाँ पर देखेंगे शरद पवार NCP गुट के तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ। भाई सर क्या हुआ? मैं इसलिए जब बोल दिया और आपको कोई लफड़ा नहीं कर, आएंगे वो जो बोलेंगे वो सब भी सुनना पड़ेगा आपको भी, हमें भी। चले चले हाँ सर, बस ये सोल्यूशन। अंदर जाओ, आप निकलिए, चलो चलो अधिकारी महानगर पालिका DMC काम चालू आला है, परत ते चालू करत असतील ते फक्त एक इश्यू आहे। अरे उलट तुम्हाला तर आनंद व्हायला पाहिजे, आनंद आहे एका कामाला। आपलं मुंब्रा मागे साहेब बाहेरून बस धरून घेऊन गेले, माणसात बस धरून गेले, बाहेरून माणसं घेऊन आले, बस धरून बाहेरून सर सांगू नका आम्हाला। चलो आपण पण साइड मध्ये हो, तिथे राबोडीचे लोक उभे आहेत त्यांना साइड आपण पण चालेल। अरे ठीक आहे, चलो आपण भी हो जाएंगे साइड हो, चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, ये बाजू आ जाओ। बुधवार के दिन आप लोग ने न्यूज कवर की थी, बुधवार के दिन इस काम का उद्घाटन जो है स्थानीय नगर सेवक अशरफ शानू पठान, नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख ने जो है इस काम के उद्घाटन की कर दिया था। 3 दिन से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पर जो गली गली घूम रहे हैं, वो कॉन्ट्रेक्टर ये बोले कि काम बंद रखो, कि हम आके ओपनिंग करेंगे, उसके बाद तुम काम चालू करना। तो ये डराने धमका के जो काम चल रहा है ना, हम उसके लिए यहाँ पर खड़े थे कि हमने उनको बताया कि भाई जब वर्क ऑर्डर ये है, वर्क ऑर्डर मिल चुका है, मांगनी का लेटर सब कुछ है, स्थानीय लोक प्रतिनिधि है, जब इन्होंने उद्घाटन कर दिया है तो फिर ये काम क्यों रोका जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है और क्यों कॉन्ट्रेक्टर को डराया धमकाया जा रहा है। तो हमने इसके लिए हमने विरोध ये बात रखी थी, जब वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू हो चुका है तो फिर आप काम क्यों रुका रहे हो, आवाम को क्यों परेशान कर रहे हो, आवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हो। और इस मुंब्रा शहर जो अमन और शांति से रहता है और अब तक रहता आया है, तो मुंब्रा शहर का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे का कहना है कि मनपा अधिकारी आएंगे, वो बताएंगे कि जो है काम किसका है, कौन करा रहा है, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। इधर साहिल होटल के पास देखेंगे कि ये गेट है, यहाँ गेट के नीचे जो है शानू पठान विधायक जितेंद्र भाट के समर्थक हैं और दूसरी तरफ इधर नजीब मुल्ला के समर्थक इकट्ठा हुए हैं। दोनों तरफ से जो है टकराव हो रहा है, दरअसल ये टकराव एक गटर नाले के काम को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर
मैडम क्या बताएंगे, जिस तरह से वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध जताया जा रहा है, आप लोग जाने वाले थे ओपनिंग करने के लिए? देखिए कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि विरोधक डर गए हमारे से। हम तो काफ़ी मतलब खुश है इस बात से कि आज हम लोगों का कहीं ना कहीं एक मकाम बन गया है। कल तक जो बोल रहे थे कि इनको वोट नहीं मिलेंगे या इनको कोई जानता नहीं है, आज लोग हमारे से डर रहे हैं और ये डर का ही माहौल है कि हमारे ही निधि पे जो हमने अजीत दादा से वो कह रहे हैं कि उन जो है शानू पठान और विधायक जितेंद्र भाट के प्रयास से ये काम हो रहा है। जबी, देखो भाई, जब भी वो विरोधी पक्ष नेता थे तब कुछ नहीं कर पाए, इतने साल गए, बहुत से लोग तो बोल रहे थे हमारे पास निधि नहीं है, हमको बजट दे दो, और आज दूसरे के किए हुए काम का क्रेडिट लेने लोग खड़े हुए हैं, झगड़ा दिखा रहे। क्या ये जो है ना, मेरे ख्याल से एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो गुंडागर्दी का माहौल पहले था उसी को इन लोग दोबारा से दोहराना चाहते हैं, लोगों के ऊपर केसेस करके, लोगों को जेल में डालकर, लोगों को डरा के। आप बताइए, अगर जनता का काम होता है तो बात अच्छी है या बुरी है? हम तो क्रेडिट लेने नहीं गए, हमने तो कोई बड़ी बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ। हम काम बंद करने नहीं आए, हम तो दुआ पढ़ने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो काम शुरू वो रहने ही देंगे, हम तो काम नहीं बंद करा रहे, क्योंकि काम हमारा है, बजट हमारा है, तो हमको क्या जरूरत पड़ी है बंद कराने की? तो यानी आप दुआ पढ़ने आए? चिल्ला लोगों का तो यही काम है, दुआ पढ़ने आए? हमारी दुआ होगी ना सिन्नी, उनकी पातियां। साहिल का काम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे मुन्ना भाई की वजह से ओपनिंग हमने रोके थे उस दिन। मुन्ना भाई बोले थे जुम्मा के दिन ओपनिंग करेंगे, इसलिए हम रुके थे, वरना किसी डर के मारे नहीं रुके थे। और अध्यक्ष साहब भी हैं, मुमताज भाई भी इधर है, प्रवक्ता हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। मुमताज भाई क्या बताएंगे, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, आइए अंदर आइए, थोड़ा धूप लग रही है यहाँ पे। जफर भाई क्या बोलेंगे बताइए। देखिए ये जो बजट है, हम लोगों ने, हमारे तमाम नगर सेवकों ने, और ये वार्ड नंबर 32 है, मेराज खान और अश्विन मैडम ने लेटर दिया था माननीय अजीत दादा पवार साहब को, जिसका बजट 50 करोड़ रुपए आया है, और जो INDP नाले का बजट आया हुआ है वो श्रीकांत शिंदे साहब ने दिया है। ये बजट शासन का है, लेकिन मांगनी हमारी है, हम किसी के काम को रोकने नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि मांगनी हमारी है, बजट हमारा है, या तो वो क्लियर करे कि हम अजीत दादा पवार के पास जाएंगे, जा करके लेटर वो बजट लेकर के आए। बजट हमारा, मांगनी हमारी, तो आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? उनके पास काम के कई पेपर है, पेपर दिखा रहे कि काम हमारा है। क्या पेपर? एक मिनट, क्या पेपर है इब्राहिम? क्या पेपर? पेपर क्या है? क्या पेपर मालूम उनके पास? महानगर पालिका का वर्क ऑर्डर, उनके नाम पर वर्क ऑर्डर है क्या? वो महानगर पालिका का वर्क ऑर्डर सबके पास है। वो जो वर्क ऑर्डर दिखा रहे उसमें कुछ डेट नहीं है, सिर्फ 2023 और 24 लिखा हुआ है। क्या क्या का पेपर, क्या डेट दिखा रहे हैं? डेट वर्क ऑर्डर पे। अरे डेट वर्क ऑर्डर नहीं है तो तुम कैसे ओपनिंग कर दिए? अगर वर्क ऑर्डर नहीं है तो आपने कैसे सुबह में ओपनिंग किया? वो देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाए थे घास वाला कंपाउंड पे, कहाँ गया? इतना बड़ा घास वाला पे गार्डन बनाए, कहाँ गया? वालिदे स्कूल बनाए थे, कहाँ गई? अभी उसमें हाइमास लगा है, उधर स्कूल का रिजर्वेशन है, इब्राहिम अश्विन इब्राहिम राउत के पास में उसका ठहराव है, गार्डन का ठहराव अश्विन इब्राहिम राउत के पास में, इल्लीगल गार्डन बनाए, बंद हो गया। अरे इल्लीगल काम पहले से ही करते, आज भी वही करे, विरोधी पक्ष नेता देना आप तो काम जिसका ठहराव है ना उसको साथ में लेके करते, तो आज ये बंद नहीं होता। पूरे शहर में खुला हुआ है, देखिए ना मीडिया ने, मीडिया के पास में ये अधिकार है, मीडिया जाके अधिकारी को पूछ सकता है ये बजट किसने लाया हुआ है। यू हैव द पावर टू आस्क डिपार्टमेंट के ये बजट कौन लाया, आप जाके उनसे पूछो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फुकट का उनको क्रेडिट लेना आता है, और इससे पहले भी उन्होंने हमसे कई बार कहा है हमको तुम्हारे काम की क्रेडिट लेने आती है, तो ये जो धंधा उनका नेचर है वो काम आज भी करते ही आ रहे, और मेरे को लगता है आगे भी करते रहे। अभी तो पुलिस बंदोबस्त लगाया है, नजीबुल्ला आ रहे हैं क्या? अरे नजीबुल्ला नहीं, हर एक आदमी नजीबुल्ला है कि नहीं है? नजीबुल्ला है, पूरी टीम नजीबुल्ला है, नजीबुल्ला की जरूरत नहीं है। दफर नुमानी अल्लाह का शुक्र है, और ये पूरी टीम और अल्लाह का करम है, और लोगों की दुआओं के जरिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ओपनिंग हम ओपनिंग करने आए, हम किसी के काम को रोकने नहीं आए। तो अभी आप नारियल फोड़ेंगे? फूटेगा नारियल, फोड़ेंगे, बजट हमारा है, मांगनी हमारी है, उनका वार्ड है वो ठीक है, वार्ड वो भी वार्ड के नगर सेवक है, वो भी खड़े रहे, काम करे, हमको कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा बजट है, हम ओपनिंग करेंगे,
हम वहाँ पर जाकर के हम किसी को काम को रोकना नहीं चाहते, हम शहर का विकास चाहते और अमन और शांति चाहते। हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह हम आपसे विश्वास दिलाते हैं। ये तो ये मैं बार बार कहता हूँ, इनका झूठ और स्टैंड पूरा शहर 15 साल से देख रहा, हर काम झूठा। कब्रस्तान से लेके देखिए, बहुत क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो टोरेंट की क्रेडिट ले रहे, जो शहर को बर्बाद किया है, कब्रस्तान बर्बाद हुआ है, उसकी क्रेडिट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमेशा एक काम ये करते थे, जब भी इनका कोई प्रोग्राम होता था शरद पवार के सहयोग से, एवार्ड साहब के कहने से, भाई साहब के चलने से, शानू पठान के बोलने से, सैयूम खान के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के मिलके ये काम होता था। लेकिन आज वो कहाँ गया? आज लिखो ना अजीत दादा के प्रयास से, उनके बजट से ये काम हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं सहयोग नजीब मुल्ला का है। नजीब मुल्ला के लिखने में शर्म लग रही अपने भाई का नाम लगाने में। आप बजट जब वो लेके आया तो झूठ के क्रेडिट लेने के लिए सब लोग चले आए। यही झूठ और स्टैंडबाजी। 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह शहर देख चुका है, इनकी विदाई का वक्त है, थोड़ा फुदुक ले। और एक चीज और, मुमरा का कोई मुसलमान का बच्चा आपस में नहीं लड़ेगा, वो जितने खड़े हैं सब हमारे हिंदू मुसलमान, जितने खड़े हैं सब हमारे सगे भाई हैं। ये सच्चाई है कि अब हमें लड़ा नहीं पाएंगे, बंगले में बैठ करके लफड़ा अब हमें लड़ा नहीं पाएंगे, उनकी साजिश फेल हो जाएगी। वो लड़ाना चाहते हैं, वो लड़ाना चाहते हैं। हम काम को लेकर के आए हुए हैं, काम करेंगे, विकास करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, हम किसी का काम रुकाने नहीं आए। वो हम चाहते हैं कि वो हमारे भाई बंधु है, वो भी हमारे मिलकर के शहर का विकास करें। हम नाराज तक तमाम अजीत पवार के नजीब मुल्ला के समर्थन में यहाँ नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ गेट के पास जहाँ नाले का काम है, वहाँ पर देखेंगे कि लोग शानू पठान के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। आगे क्या अपडेट रहेगा यहाँ का, वो भी हम आपको बताएंगे।